नमस्कार। वैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो हम लोग कहीं जा नहीं पा रहे हैं, और आप लोग भी घर में होंगे, कहीं जा नहीं रहे होंगे। तो भाई आजकल गांव में रहते हैं, और थोड़ा सा आज हम अपने गांव का परिचय आप लोगों को कराते हैं, थोड़ा बहुत सीन दिखाते हैं जो भी अच्छे सीन हैं गाँव का। तो अभी हम अपने घर के बाहर हैं, और बहुत से भाई लोग पूछते रहते हैं कमेंट्स में कि भाई आपका गांव कौन सा है, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। बहुत से भाई को नहीं पता है ना, तो भाई मैंने सोचा यार कि चलो अब इसी बात पर एक वीडियो बना दें, कहीं जा नहीं रही हैं तो आप गांव का एक वीडियो बना दें। तो भाई देख लो, पीछे हमारा घर दिख रहा है, और ये बाहर सड़क है, ईंटे वाला घर सड़क है। तो दो घर का मतलब ये पूरा हमारा है, और एक घर इधर है पीछे, इधर आप देख सकते हो बगल में। तो भाई कुल मिलाकर एक थोड़ा सा बगल में तो हो गया 3 घर मिलाकर हमारा गांव है। और मेरे गांव का नाम है दोस्तों खरगौरा जनूब, और डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है बहराइच में पड़ता है। तो भाई आज हम थोड़ा गांव संबंधित वीडियो बनाने जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए। तो देख लो, और थोड़ा अभी चलते हैं आगे, अपनी बाइक लेकर आते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। थोड़ा बगल गांव पड़ता है, क्या है, कैसे क्या है, सारे चीज़ आपको आज दिखाएंगे। तो वीडियो को देखते रहना दोस्तों, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना। भाई सबसे पहले हमारे घर से बाहर निकलने के बाद जब खड़ंजे रोड पर आते हैं तो मेरे गांव का ये पहला घर सबसे पहले पड़ता है, और ये घर में लगभग 2-3 परिवार रहते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोगों को डामर रोड मिल जाता है, तो ये डामर रोड मिल गया, मतलब ठीक ठाक डामर रोड है। उसके बाद में सड़क के अगल बगल खेती बाड़ी होती है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। उसके बाद में अभी जो ये गांव पड़ेगा ये लोहारपुरवा गांव है, और ये लोहारपुरवा की आबादी लगभग 200 के आसपास पड़ती है। अगल बगल गांव है, जैसे कि आप देख सकते हो गांव है, और इधर भी घर है, और बीच से मतलब रास्ता होकर गया है। और ये मोड़ जो आया ये बहुत ही खतरनाक मोड़ है यहाँ गांव का। तो इधर आप देख सकते हो सारे घर बने हुए हैं, इसी तरह से ये गांव है, ये लोहारपुरवा गांव है। और अभी हम लोहारपुरवा गांव को भी क्रॉस कर दिए हैं, थोड़ा आगे आ गए। और इसके आगे जो ये गाँव पड़ेगा इसकी आबादी लगभग लगभग 300 के आसपास पड़ जाएगी, तो ये चौकीदारपुरवा है, काफ़ी फेमस गांव है। और उसके बाद भी एक घर, एक गांव मतलब 2-3 घर का गांव इधर भी पड़ जाएगा। एंड ये डामर रोड पर ये अभी नया घर बना हुआ है, और जैसा कि अभी आप देख सकते हो कि ये वाला जो घर आप देख रहे हो ये दुकान है, किराने का दुकान, पर लॉकडाउन की वजह से बंद चल रहा है। और इधर भी सड़क के अगल बगल देख लो सारे मतलब खेती बाड़ी होती है। कुछ इस तरह से नज़ारा है मेरे गांव के बाहर का। भाई अभी हम आ चुके हैं लोहारपुरवा से आगे, और अब इससे जो आगे नेक्स्ट गांव मिलने वाला है, मतलब जो जगह मिलने वाला है, एरिया कुछ भी कह सकते हो, वो चौकीदार मतलब बगिया है, और चौकीदार मतलब एक आम का बगिया है। और उसके मतलब सामने मतलब सारे दुकान वकान हैं जो आपको देखने को मिल जाएगा। और चौकीदार बगिया जो है काफ़ी फेमस गांव में, सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है चौकीदार बगिया। फिलहाल आगे नेक्स्ट वाला अभी हम आपको दिखाते हैं। तो अब जो एरिया आने वाला है चौकीदार बगिया है, यहाँ ये वाला एरिया काफ़ी फेमस एरिया है गांव में, सबसे ज़्यादा फेमस एरिया है। और यहाँ पर जैसे ढाबली एंड चाय पानी की दुकान, और साइकिल की दुकान, किराना की दुकान, सभी मतलब यहाँ पर उपलब्ध है। और उससे आगे थोड़ा और बढ़ने पर जैसा कि अभी आप देख सकते हो ये घर, एंड इधर एक नया घर भी बन रहा है, और इधर और आगे थोड़ा सा बढ़ने पर ये पालेसर लगा है, चक्की रहते हैं गांव में। और थोड़ा उससे बढ़ने के बाद मेरे गांव का मतलब बॉर्डर आ गया, यहाँ से गाँव की हमारे समाप्ति होती है। तो और ये रोड जो आप देख रहे हो इकोना को गया हुआ है, हम लोग इसी से होकर इकोना को जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आपको सीन दिखाते हैं अच्छे से। तो भाई जैसा कि अभी आप देख सकते हो हम मेन खरगौरा जरूर के पास में हैं, और यहाँ एक टावर लगा हुआ है जो
तीन कंपनियों को प्रमोट करता है ये टावर, वोडाफोन, एयरटेल्स एंड जियो, तीन कंपनी को चलाता है एक साथ। और इधर जो फिलहाल दिख रहा है पेड़ और सारे, मतलब इसके अंदर मतलब एक गांव है मेन खरगोरा जनूब, और वो थोड़ा सा दिख रहा है, अभी आपको जूम करके दिखाते हैं। ये बड़ी सी मस्जिद है यहाँ खरगोरा जनूब में, और उसका मीनार है जैसा कि अभी आप देख सकते हो। एंड एक स्कूल है जो कि आप अभी आप देख सकते हो, ये स्कूल है। तो भाई ये एरिया मेरे गांव का सबसे फेमस एरिया है, और ये मेन खरगोरा जनूब के पास में हम खड़े हुए हैं। फिलहाल हमारा मतलब एक किलोमीटर अपने घर से आ चुके हैं आगे, और हमारा घर है, और मतलब आगे बहुत बड़े बड़े गांव हैं, सारे मतलब गांव खरगोरा जनूब में ही लगते हैं, मतलब बहुत बड़ा एरिया है हमारा। और इधर भी आप देख सकते हो ये मुर्गी वाला फार्म है, तो किसी भाई ने बनवाया था, पर मुर्गी के मतलब इस समय हालत ख़राब चल रहे हैं ना, जैसे तो कोरोना वायरस की वजह से, तो इसीलिए भाई अभी बच्चे नहीं डलवा पाए हैं, फिलहाल नया बनवाए थे। और ये जो टावर आपको दिखाया, ये टावर बहुत ही फेमस टावर है खरगोरा जनूब का, अगर किसी से भी पूछोगे यहाँ के आसपास तो तुरंत वो आपको बताएगा कि भाई खरगोरा जनूब का टावर है। और जो चौकीदार बगिया मैंने दिखाया था आप लोगों को, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस एरिया है यहाँ का खरगोरा जनूब का। तो ये सब सारे एरिया देख लो, और भाई इधर गेहूँ देख लो, सारे गेहूँ पक चुके हैं एकदम, और उधर अभी कुछ भाई लोग गेहूँ की कटाई भी कर रहे हैं, जैसा कि अभी आप देख लो सारे गेहूँ पक चुके हैं, फसल तैयार है इधर हमारे। और मेरा मतलब थोड़ा सा पछड़ा हुआ है, दो चार दिन में वो भी तैयार हो जाएगा। लाल ये सब सीन देख लो, और इधर दिख रहा है जो वो चौकीदार पुड़वा है, मतलब जो आपको हमने मतलब दिखाया था चौकीदार पुड़वा, मतलब इसे दूर से दिखाया था, तो फिलहाल वो पुड़वा है। लगभग 300 आबादी है इस पुड़वा की, और खरगोरा जनूब जो मेन खरगोरा जनूब मस्जिद वाला है उसकी आबादी लगभग लगभग पड़ जाएगी 450 या 500 के आसपास। तो ये सब है देख लो। और अभी ये वाला रोड जो आप देख रहे हो, ये रोड इकाउना को गया हुआ है, और यहाँ से मतलब थोड़ा सा जाने पर भवानीपुर बनकट मिलेगा, जो दूसरा एरिया चालू हो जाता है यहाँ से, बस यही बॉर्डर है हमारे गांव का। और इधर जाओगे इधर वाले रोड पर, तो इधर थोड़ा सा आगे जाने पर पठानपुरवा मिलेगा, जो उसकी आबादी भी 400-500 के आसपास करीब पड़ जाता है, 500 या 600 के आसपास। तो पठानपुरवा भी हमारे ही खरगोरा जनूब में लगता है। तो और अभी आ चुके हैं बैक अपने घर के पास बाहर सड़क पर, और हमारे घर के पास भी देख लो फसल लगा हुआ है गेहूं का, फिलहाल पकने वाला है। और ये सड़क मेरे गांव का, उधर स्कूल दिख रहा है, एंड ये वाला एरिया जो देख लो, इसमें सारे सरसों लगे थे बहुत पहले, फिलहाल अब इस सरसों कटा कर इसमें मतलब गन्ने की बुवाई कर दी गई है, और गन्ने मतलब छोटे छोटे मतलब निकल भी आए हैं, और गन्ने की गुड़ाई भी हो चुकी है। तो मेरे यहाँ का फसल देख लो, सारे इधर तो एरिए पूरे गन्ने दिखेंगे। और भाई जो मैंने अपना गांव का नाम बताया खरगोरा जनूब, तो भाई खरगोरा मतलब कई खरगोरे हैं हमारे यहाँ आसपास, करीब 4 खरगोरे पड़ जाते हैं, जैसे मेरा हुआ खरगोरा जनूब, और ये डिस्ट्रिक्ट मतलब बहराइच में लगता है, और एक मतलब 2 खरगोरा सराबस्ती के पास में पड़ता है, जैसे खरगोरा गणेश और खरगोरा बस्ती, वो सराबस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है। तो फिलहाल 3 खरगोरा हो गया, एक खरगोरा वहाँ भिनगा के पास में पड़ता है, वो भी सरावस्ती डिस्ट्रिक्ट में पड़ जाता है, उसका नाम है खरगोरा मोड़। तो भाई खरगोरा मतलब गणेश, खरगोरा बस्ती, खरगोरा मोड़, ये 3 खरगोरा और हैं, और उसके बाद में ये हमारा 4था खरगोरा है जो खरगोरा जनूब के नाम से है। तो भाई बस अपना गाँव अपना पता बता रहे थे आप लोगों को इस वीडियो में, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और थोड़ा बहुत मतलब बाहर का सीन भी दिखा दिया हूँ कि इस तरह से हमारे यहाँ का सीन है। और इस समय मतलब थोड़ा वीडियो लेट में पड़ता है ना लॉकडाउन की वजह से, तो थोड़ा दोस्तों सॉरी, गलती को माफ़ करना, और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, और फिर मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा हमेशा। ये था मेरा छोटा सा वीडियो, और अब वीडियो को वहीं पर करते हैं, और फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।